नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उपराजधानी दुमका की खबर के साथ। बड़ी खबर और शर्मसार करने वाली यह खबर। अलग अलग बाइक से पति के साथ टूर पर निकली स्पेन की महिला से शुक्रवार की देर रात सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। घटना के बाद 28 साल की इस स्पेनिश महिला को सरायहाट CSC में भर्ती कराया गया। घटना हंसदिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के पास की बताई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात SP पीताम्बर सिंह खेरवार घटनास्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला के साथ मारपीट भी हुई है। सरायहाट CHC में प्राथमिक इलाज के बाद उसे दुमका लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्पेन की यह महिला अपने पति के साथ बाइक से टूर पर निकली थी। वह दुमका के रास्ते भागलपुर की ओर जा रही थी और इसी दौरान हंसरिया बाजार से पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर वे सो रही थी। वहीं आसपास के कुछ युवक पहुंचे और उनके साथ ये दुष्कर्म की घटना घटी है। इसमें जैसे कि उनका बयान है और कि जो है उनके साथ जो मिसहेप हुआ है, मैंने बुरा बर्ताव हुआ है, अब रेप हो या आगे की बात है वो अभी स्पष्ट अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो है उनका जनरल कंडीशन, जो वाइटल्स कंडीशन है जो है वो ठीक है, उनको जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और अभी जांच का प्रक्रिया चल रहा है। पिछले 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हंसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी, उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा है उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी, चूँकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल के हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया, करीब 1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना, विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे वो लोग जा रहे थे तो उनके साथ ऐसी घटना। हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है। ठीक है, टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 आदमी पकड़ाया है और बाकी लोगों को पकड़ाना बाकी है, वो भी सारे लोग पकड़ाएंगे और निश्चित रूप से उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह का घटना करना, आप समझ सकते हैं कि हमारा विदेशी मेहमान है और उसके साथ उस तरह का घटना होना तो देश का जो है बदनाम करने वाली ये घटना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।